अंबेडकर नगर से इस वक्त की बड़ी खबर, लेखपाल संघ और एसडीएम। लेखपाल संघ के सदस्यों ने एसडीएम पर लगाए हैं गंभीर आरोप। लेखपाल संघ के सदस्यों ने किया है अभद्र भाषा का प्रयोग। एसडीएम ने भी स्थानीय पुलिस को दी है तहरीर। आलापुर तहसील परिसर में भारी पुलिस बल तैनात। लेखपाल संघ और एसडीएम के बीच नोकझोंक। अंबेडकर नगर से इस वक्त की बड़ी खबर, लेखपाल संघ के सदस्यों ने एसडीएम पर लगाए हैं गंभीर आरोप। लेखपाल संघ के सदस्यों ने किया अभद्र भाषा का प्रयोग। एसडीएम ने भी स्थानीय पुलिस को दी है तहरीर। आलापुर तहसील परिसर में भाले पुलिस बल तैनात। अंबेडकर नगर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लेखपाल संघ के सदस्यों ने एसडीएम पर लगाए हैं गंभीर आरोप। लेखपाल संघ के सदस्यों ने किया है अभद्र भाषा का प्रयोग, जहां एसडीएम ने भी स्थानीय पुलिस को दी है तहरीर। आलापुर तहसील परिसर में भारी पुलिस बल तैनात। अंबेडकर नगर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लेखपाल संघ के सदस्यों ने किया है अभद्र भाषा का प्रयोग। एसडीएम ने भी सभी स्थानीय पुलिस को दी है तहरीर। आला पुलिस तहसील परिसर में भारी पुलिस बल तैनात। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोशन फोन लाइन पर है। रोशन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस खबर पर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो एसडीएम वहाँ नियुक्त किए गए उसको लेकर के वहाँ बड़ा दुर्भाष चला था। सबसे बड़ी बात है जो लेखपाल संघ है अपनी बातों को लेकर के हाथ मारा रहता है, किसी न किसी बातों को लेकर बड़ा मुद्दा बना जाता है उस चीजों को लेकर। जब भी कोई बड़ा अधिकारी उन बात का विरोध करता है, उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेखपाल संघ जो जुट करके अपनी बात रखता है। कहीं ना कहीं अधिकारी और कर्मचारियों के बीच जो संबंध बैठना चाहिए वो बिल्कुल बैठ नहीं पा रहा। इसको लेकर दोनों कर्मचारी और अधिकारी दोनों के बीच तलवार खींच रहती है। जी, बातों को लेकर यहाँ पर नोकझोंक हुई है, क्या मुद्दा रहा है उन बातों का? बात काम को लेकर के होती रहती, कोई ना कोई मामला, चाहे अधिकारी के बीच का मामला रहा हो या नेता का मामला रहा हो या जमीन बंटवारे को लेकर के होती रहती। इसे अभी कुछ भी बता ले तैयार, जो भी है वहाँ के अधिकारी है कर्मचारी है या लेखपाल, बिल्कुल बता दो तैयार नहीं किस मामले का विरोध किया जा रहा। बस इसका यही कहना है हमारे ऊपर दबाव होता है, हम काम नहीं कर पाते। अधिकारी कहता है हमारी कोई सुनता नहीं है। कहीं ना कहीं दोनों बीच विरोधाभास जो उत्पन्न हो रही है, एक स्थिति बड़ी चिंताजनक है। जी, जिस तरीके की अभी दी गई है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस बात पर? बिल्कुल, लेखपाल संघ का एक कहना है की अपने अधिकारी हम लोगों को गाली दिया है, हम लोगों ने अवस्था व्यवहार किया है। वही जिला लेखपाल संघ कह रहा है बात, दूसरी वही एसडीएम खुद कह रहे कि संघ लोग आए हमारे चैंबर में घुस करके बदतमीजी किए, गाली को देने की कोशिश किए। सबसे बड़ी बात दोनों लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर दी है और कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि हम लेखपाल संघ का धरना करेंगे। वही एसडीएम संघ कह रहा कि हम जो इनके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए बात है, हम उच्च अधिकारियों को लिखेंगे इनके खिलाफ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोशन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर, चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई। ग्रामीणों ने रस्सी से बांध कर की है चोर की पिटाई। युवक को रस्सी से बांधते हुए वीडियो हुआ है वायरल। बास डी थाना के मझुई गांव का है ये पूरा मामला। चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई की गई है। बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से चोर को रस्सी से बांधकर उसकी पिटाई की जा रही है, जहां पुलिस बल भी तैनात है। चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई की गई है बलिया में। ग्रामीणों ने रस्सी से बांधकर की है युवक की पिटाई। युवक को रस्सी से बांधते हुए वीडियो हुआ है वायरल। बांसडी थाना के मजुई गांव का है ये पूरा मामला। चोरी के आरोप में युवक की जमकर की गई है पिटाई बलिया में। बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अखिलेश, किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है? जिस चोर को बांध कर पिटाई की गई है, क्या कुछ मामला है पूरा? बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे, जहां चोरी के आरोप में एक युवक को बांध कर पिटाई की गई है।
फतेहपुर से इस वक्त की अगली बड़ी खबर, युवक ने फांसी लगा कर दी है जान, किसानों ने पुलिस को दी है इस घटना की सूचना। इलाके में दिखी ग्रामीणों की भारी भीड़, घटना की सूचना पर परिजनों में मचा है हड़कंप। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव का है ये पूरा मामला। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी है, जहां किसानों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी है। इलाके में दिखी ग्रामीणों की भारी भीड़, घटना की सूचना पर परिजनों में मचा है कोहराम। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव का है ये पूरा मामला। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अमरदीप, किस तरीके की पूरी जानकारी मिल पा रही है, आखिर इस युवक ने फांसी क्यों लगाई है? देखिए, ऐसा है कि मामला फतेहपुर जनपद के जो है हुसैनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पर एक युवक सुबह शौच के लिए निकला था और निकलने के बाद वो घर नहीं लौटा। तो लोगों ने, उनके परिवारजनों ने यही समझा कि यह है ये शौच के लिए गया, वहीं खेतों पर रुक गया होगा। पर उसके कुछ देर बाद जब ग्रामीण जो है शौच के लिए गए हुए हैं, तो देखा है कि उन्होंने उस युवक को आम के पेड़ पे फांसी के फंदे पे लटकते देख करके एक गांव में हलचल सी मच गई। ग्रामीणों को सूचना दी गई, परिजन भी पहुंचे। परिजनों में जो रो रो कर हाल बेहाल था, पर अभी तक ये भी नहीं पता हो पाया है कि आखिरकार उस युवक ने फांसी के रास्ते को क्यों चुना। परिवारजन भी कुछ भी बोलने की स्थिति पे नहीं। जी, तो और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्या पुलिस प्रशासन ने इस को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि काफी देर बाद जो है ग्रामीणों द्वारा और परिजनों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी है। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंच करके शव को कब्जे में लेकर पंजाब भर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया हुआ है। जी, ग्रामीण पुलिस वाले पुलिसकर्मी जो शासन प्रशासन के द्वारा, क्या कोई पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ मामले की जानकारी मिल पा रही है, क्या युवक जिसने फांसी लगाई है क्या वो किसी मेंटली उससे गुजर रहा था? ऐसा है कि पुलिस का तो अभी रवैया यही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद, क्योंकि पुलिस दोनों पहलुओं में विचार करती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी रंजिश के चलते किसी ने उसको फांसी पे लटका दिया हो या फिर उसने खुद फांसी का रास्ता चुना हो। पर अभी पुलिस प्रशासन भी चुप है, परिवारजनों के द्वारा अभी कोई भी ऐसी बात नहीं बताई गई है, ना कोई ऐसी जानकारी निकल कर आई है कि वो मेंटली डिस्टर्ब था या कोई और कारण था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।